जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में और हम हाजिर हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ विच विल ब्रिंग टू यू द फूड क्रॉप्स चैप्टर और उसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट वुड बी हाबी क्रॉप्स सो वी वर डिस्कसिंग जोग्राफी जनरल जोग्रफी घटना चक्र अलॉन्ग विद डैट आपके लिए चैनल पर तीन प्ले लिस्ट कम्प्लीट अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और इकोलॉजी आई एम सो सॉरी फॉर द थ्रूड और उसके अलावा हम मॉर्निंग में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं एंड इन प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव स्टार्टेड विद साइंस एंड साइंस द घटना चक्र द स्टैटिक घटना चक्र ऑफ साइंस और राइट सो सोन विल बी स्टार्टिंग विथ पोलिटी ऑल्सो एंड देन आर बेसिक्स घटना चक्र जो सीरीज है वो हमारी um, एक तरीके से आपको सारी प्ले लिस्ट अवेलेबल हो जाएंगी और राइट सो स्टार्ट करते हैं फूड क्रॉप से और फूड क्रॉप्स में जो सबसे पहली क्रॉप है दैट इज़ रबी क्रॉप ठीक है रबी मतलब जिसमें मेन जो राजा बोलते हैं रबी क्रॉप का वो कौन है वीट सो वील स्टार्ट विद द रबी क्रॉप इन विच मंथ इज़ द रबी क्रॉप सोन तो रबी क्रॉप की जो बुआई होती है जो उसको बोना होता है वो कौन से महीने में किया जाता है तो दैट इज़ डन ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वी आर इन राइट नाउ दैट इज अक्टूबर नवंबर के पीरियड में इसकी बुवाई होती है बुआई का सीज़न होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन जो क्रॉप है इंडिया की वो तीन तरीके से डिवाइडेड है खरीफ क्रॉप इसको समर क्रॉप बोलते हैं या फिर मानसून क्रॉप बोलते हैं बेसिकली ये यूजली uh, इसको बोया जाता है विद द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रें दैट इज़ जून जुलाई एंड इट इज़ हारवेस्टेड इन अक्टूबर नवम्बर मेजर खरीफ क्रॉप्स इंडिया में देखें तो मिलिट्स दैट इज बाजरा ज्वार एंड कॉटन सोयाबीन शुगर केन टर्मरिक पैडी ज़ मूंग दैट इज दाल पल्स ग्राउंडनट रेड चिलीज रबी क्रॉप स्प्रिंग हार्वेस्ट या विंटर क्रॉप क्रॉप बोली जाती है इंडिया में ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और इसका हार्वेस्ट होता है मार्च अप्रैल में सो so मेजर रबी क्रॉप्स में आते हैं वीट बार्ले मस्टर्ड सस्में पीज पोटैटो ये सब आते हैं रबी क्रॉप्स में और ध्यान रखिएगा मिलेट्स में जो बाजरा ज्वार है वो खरीफ क्रॉप में आ रहा है जैद क्रॉप्स ये जो क्रॉप होती है ये कुछ पार्ट्स में बोई जाती है मार्च से लेके जुलाई के बीच में प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इसमें आप देखेंगे जैद क्रॉप्स में जैसे कि हम गर्मियों के सीज़न में जो हम वाटरी फ्रूट्स ले रहे हैं मस्क मेलन वाटर मेलन वेजिटेबल्स ऑफ द कुकर बिटेसी फैमिली जैसे कि बिटा गार्ड पम्पकिन रिस्ट गार्ड देखिए आजकल तो हर सीज़न पे सब कुछ अवेलेबल होता है बट एवरीथिंग क्योंकि बहुत सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सब कुछ है इसलिए हर सीजन पे सब कुछ अवेलेबल हो रहा है आपको ऑल दो दैट माइट नॉट बी गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो बिकॉज हर चीज़ जो सीजनली बनाई गई है वो अपने हिसाब से अपने सीजन में काम करती है ऑल दो वी आर नाउ अवेलेबल विद एवरी थिंग वैन इट कम्स टू क्रॉप्स ऑल दो ये इनका पर्टिकुलर सीज़न होता है बोने का विश ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप अब आपको बताना इनमें से खरीफ क्रॉप क्या नहीं है तो खरीफ मतलब कि जिसका uh, जो राइस वाली सीजन मानसून वाले सीजन में गुबाया जाता है सो आउट ऑफ दिस मसूर दैट इज़ दल्सेज वो खरीफ क्रॉप नहीं है जो मूंग होती है वो खरीफ में आती है बट मसूर नहीं आती है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अराबी क्रॉप अब आपको बताना इनमें से राबी क्रॉप कौन सी नहीं है सो लेडी फिंगर कैरेट रेडिश और पी देखिए लेडी फिंगर जो है वो रबी क्रॉप नहीं है वो खरीफ क्रॉप है अगर आपने कभी इवन एट ए होम आपने किचन uh, गार्डन भी मेंटेन किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो सीजन था अभी तक uh, उसमें मतलब भिंडी का जो सीजन था दैट बीन कम्प्लीटेड तो उसको बोया जाता है उस टाइम पर और अभी तक ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो जाता है विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप पैडी मेज ग्राम ज्वार सो so, ग्राम चना चना इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप अब इसका कैसे आप आइडिया लगाएंगे रटने से बेहतर आप याद रखिए कि चने का साग जो है वो बेसिकली कब आता है वो आता है सर्दियों के टाइम पे मतलब कि अभी उसमें पत्तियाँ आ रही हैं हार्वेस्ट उसका कब होगा जाके मार्च वही गेहूं के साथ ठीक है सो so, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो गेहूँ हुआ चने इसका सरसों का साग तो ये सब किस पीरियड में आ रही है इसी पीरियड में आएंगे सो नाउ दे हैव दीज लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं तो इनका हार्वेस्ट कब होगा जाके फाइनली इनका हार्वेस्ट होगा मार्च के आसपास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप कॉटन मेज अरहर मस्टर्ड सो सरसों सरसों इज़ अ रबी क्रॉप रबी क्रॉप सर एग्रीकल्चर क्रॉप जो कि विंटर सीजन में बोए जाते हैं अक्टूबर um, नवंबर में एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन बिटवीन मार्च एंड अप्रैल रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट बार्ले ओट्स ग्राम्स लिंसीड मस्टर्ड्स ऑयल सीड एट्सेट्रा रबी क्रॉप्स आर सोन फ्राम सो दे आर सोन फ्राम अक्टूबर नवंबर विंटर्स में इनको बोया जाता है इस सीज़न पर ये बोए जा रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्ड ऑन द बेस ऑफ क्रॉप्स पैडी ज्वार मेज वीट सो वीट इसमें जो है ये रबी क्रॉप में आ जाएगा बाकी ज्वार मेज और पैडी दीज आर द खरीफ क्रॉप्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर द गुड कल्टिवेशन ऑफ वीट सो देखिए मॉडर्न टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल हाई टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल लो टेम्परेचर लो रेनफॉल तो देखिए वीट के कल्टिवेशन के लिए मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है इंडिया में वीट को 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 50 से पचहत्तर सेंटीमीटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरेज एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए जो कि जिसको मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल बोला जाता है वीट इज ग्रोन इन थर्टी मिलियन हैक्टेयर तो फोर्थ एनअल एस्टिमेट्स के हिसाब से ऑफ़ ट्वेंटी 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 वन थर्टी वन मिलियन पॉइंट सिक्स मिलियन हैक्टेयर एरिया पर वीट बोया जाता है ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया दिच वन इज एन ऑफ क्रॉपिंग पैरल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्जाम पोटैटो राइस वीट मस्टर्ड कॉटन वीट या सोरगम पोटैटो सो इट इज सीन इन वीट मस्टर्ड पैरल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो क्रॉप्स ऐसे सिलेक्ट किए जाएं जिनकी डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स हैं और जीरो कॉम्पिटिशन हो उनके बीच में सो एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देयर फुल ईल्ड पोटेंशियल ऑल्सो अमंग द गिवन ऑप्शन मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरल क्रॉपिंग वैन इट इज ग्रोन विथ वीट कैश क्रॉप डज नॉट कंसिस्ट कैश क्रॉप क्या नहीं है इनमें से तो वीट इज़ नॉट अ कैश क्रॉप कैश क्रॉप में शुग्रन कॉटन जूट टबैको बनाना ऑयल सीड्स वीट राइस ये सब फूड क्रॉप्स में आ रहे हैं सॉरी uh, ये कैश uh, क्रॉप्स में थे और वीट राइस वगैरह ये सब फूड क्रॉप में आते हैं विथ ग्रूप ऑफ क्रॉप्स मैंशन बिलो कम प्राइजिस ऑफ कैश क्रॉप पूरा ग्रुप आपको देखना है कि वो कैश क्रॉप कौन सा है तो आ, वीट मेज राइस फूड क्रॉप ग्राम पीज वीट राइस ग्राम टी सो कॉटन शुगर केन और बनाना ये तीनों कैश क्रॉप्स में आएंगे विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंडिया डन एन एग्रीमेंट ऑन इम्पोर्ट टू इम्पोर्ट फिफ्टीन लैक टन वीट विद व्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रोडक्शन सो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ hmm, पुराना क्वेश्चन है नाइन्टी एट का विच ऑफ द फोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स थ्री लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको देखना है पंजाब यूपी हरियाणा में आपको देखना है सो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग है यूपी देन पंजाब एंड हरियाणा लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एन दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट वॉज उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा

What which is the maximum wheat producing state of India, Uttar Pradesh? Which among the following state has the largest producer of wheat in India in the year 2015-16 Uttar Pradesh. Consistently Uttar Pradesh. Uh, then second is Madhya Pradesh and third is Punjab. The state that yields maximum production of wheat in India is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh yields maximum production of wheat in India at present percent share of wheat production throughout India is highest in UP, then followed by Madhya Pradesh and followed by Punjab. माही सुगंधा माही सुगंधा किसकी वैरायटी है सो so, माही सुगंधा इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस देखिए वैसे भी आ, सुगंधा से इट्स जस्ट ऐसा नहीं है कि सारे एब्रीबियशंस मैच करेंगे बट सुगंधा जो वीट हो जो सॉरी जो राइस होता है आपने अगर कभी आप लोग राइस के खेत के आसपास से गुजरे यार आपको आइडिया है अगर आपके रीजन में राइस होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अलग अलग राइस से अलग, अलग अलग तरीके की खुशबू आती है तो so आप उससे भी थोड़ा सा इसको कर सकते हैं कि भाई सुगंधा नाम यूज़ हुआ है तो मे बी आउट ऑफ दीज वीट सनफ्लावर मस्टर्ड में से ऐसे कोई खुशबू वाला करेक्टर नहीं होता है सो इट माइट माही सुगंधा ऑल दो अलग अलग एब्रीविएशन्स हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एब्रीविएशन सूट ही करे बट माही सुगंधा एक बासमती राइस की वैरायटी है इसके लॉन्गर ग्रेन्स होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं एंड दे रिमेन इलॉन्गेटेड आफ्टर कुकिंग अदर वैरायटीज अगर हम देखें तो आभा अजय आकाशी अंबिका दीप्ति दिव्य गजपति गरिमा गीतांजलि गरिमा गीतांजलि एक ही है सो ये इनके कुछ और वैराइटीज़ हैं तो आपको ये देखना है कि अभी रिसेंट में जो आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे वो कौन से न्यूज़ में रहे होंगे उनके हिसाब से आपको देखना है कि मे बी क्वेश्चन वहाँ से आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ अ हरबी साइड इनमें से हरबी साइड क्या है सो ब्यूटा क्लोर एक हरबी साइड है क्लोर पायर क्विन uh, फॉस ये पेस्टिसाइड है बेसिकली फॉस्फोरस कंटेंट है इनमें और कार्बन ये एक फंगीसाइड है ओके okay. सो so, ये हो गया आपका फंगीसाइड और ये दोनों हो जाएंगे पेस्टिसाइड ये हो जाएगा हर्बिसाइड उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स तो उत्तर प्रदेश देखिए वीट में तो है ही पहला और इसके अलावा शुगर केन में भी पहला है 2021 हज़ार के हिसाब से वीट पटैटो और शुगर केन तीन में यूपी पहला आ गया है वीट पटैटो और शुगर केन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वीट वेराइटीज़ हैज़ बीन डेवलप थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू जो डेवलप हुई है वो है सोनोरा सिक्सटी Induced mutation. To increase the possibility of increasing the wheat production in India, scientists introduced five dwarf varieties with Lerma Roso 64A, Sonora 63, Sonora 64, Mayo 64, S227. Sonora 64 developed gaya through induced mutation exercise at IARI, Indian Agriculture Research Institute, which increases the production of wheat. इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब एक कुछ एक पर्टिकुलर जगहों पे चेंजेस किए गए इंड्यूस करके बाहर से उस जीन में डॉफिंग जीन इन वीट इज वीट की डॉफिंग जीन को क्या बोलते हैं तो इट इज़ कॉल्ड नोरिन टेन इट इज़ अ जीन ऑफ वीट डी जी वो डी जी इज अर इज ऑफ राइस ओपेक टू इज़ रिलेटेड टू मेज तो वीट की जो डॉफिंग जीन है वो नोरिन टू है डी जी वो डी जी ये है राइस की और ओपेक टू ये मेज की है मैक्रॉनी वीट इज मोस्ट सूटेबल अंडर विच कंडीशंस मैक्रॉनी वीट इज मोस्ट सूटेबल अंडर रेनफेड कंडीशन प्रोडक्शन ऑफ मैक्रॉनी वीट इज मोस्ट सूटेबल अंडर द रेनफेड कंडीशन राज थ्री जीरो सेवन सेवन इज अ वेराइटी ऑफ राज थ्री जीरो सेवन सेवन इज अ वराइटी ऑफ वीट ठीक है सो हाँ इट इज़ सोन लेट इसका जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो थर्टी सिक्स टू फोर्टी क्विंटल पर हेक्टेयर होता है अदर वेराइटीज़ अगर हम बी वीट की देखें तो सोनालिका अर्जुन कुंदन अमर भवानी चंद्रिका देशरत्न कंचन गिरजा गोमती प्रभानी पूसा सिंधु गंगा पूसा सिंधु गंगा किसकी वैरायटी है तो पूसा सिंधु गंगा भी वीट की वैरायटी है Identified by 48th All India Wheat and Barley Research Workers Meet held at IARDI New Delhi. UP308 is a variety of wheat. UP308 is a Mexican dwarf wheat variety. It is mainly used in Darbhanga district of Bihar. The production of wheat in India during 2006 7 and 2009 10 has. So, production of wheat in india in 2006 7 and 2019, they has maintained an upward trend the production of wheat in india increased during 6 7 and 2019. in the year 2006 7 the production of wheat was 75.81 million tons in 7 8 it was 78.57 million tons in 8 9 it was 80.68 million tons 9 10 80.10 million tons 21 20 2021 20, 109.50 मिलियन टन तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमेशा देखने को मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज ऑफ द वीट क्रॉप ब्लास्ट टिक्का डस्ट या रस्ट सो रस्ट इज़ अ डिसीज ऑफ वीट क्रॉप येलो रस्ट ब्राउन रस्ट ब्लैक रस्ट ये वीट की क्रॉप जो डिसीजेज होती हैं कल्याण सोना इज़ अ वेराइटी ऑफ वीट देखिए एक चीज़ और देखी गई कि, कि सोना से रिलेटेड लाइक सोनालिकास कल्याण सोना साबरमती सॉरी सोनो और सबामती ये सब मतलब सोना सोना क्योंकि वीट को गोल्ड बोला जाता है तो उसका जो कलर होता है हल्का सा वीटिश तो उसको खेतों का गोल्ड बोला जाता है तो वो भी आप ध्यान रखिएगा सोना से रिलेटेड है तो पॉसिबिलिटी है नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर बट पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको तुक्का ही मारना है देन यू कुड गो विद द वीट वराइटी कंसिडर द फॉलोइंग हाईडिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया अर्जुन जाया सॉरी जया पदमा सोनालिका ऐसा लगता है निर्मा का ऐड दे रहे हैं so, सो अर्जुन जया पदमा सोनालिका इनमें से वीट क्या है सो so, वीट है इनमें से अर्जुन वीट है और सोनालिका वीट है ठीक है सोनालिका जी एंड अर्जुन जी ये दोनों वीट की वैरायटी हैं इसी में अगर हेमा रेखा जया सुषमा करते तो निर्मा का ऐड हो जाता उसी है उसी टाइप का साउंड कर रहा है बेसिकली अर्जुन जया पदमा सोनालिका सो दे आर द वैराटीज ऑफ वीट जबकि जया और पदमा ये राइस है वरायटी ऑफ पीजें पी दैट इज अरहर सुटेबल फॉर डबल क्रॉपिंग विद वीट इज सो जो डबल क्रॉपिंग हो सकती है जिसकी वीट के साथ वो दैट वराइटी ऑफ अरहर इज यू पी एस वन ट्वेंटी अदर वेराइटीज़ ऑफ अरर आई सी पी एल वन फिफ्टी वन आई सी पी एल एटी सेवन बहार एन डी ए वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया इज ऑप्टेन फ्राम द स्टेट ऑफ यू पी बिल्कुल सही बात है क्रॉपिंग पैटर्न ऑक्यूपाइंग द हाइस्ट एरिया इन यू पी इज़ क्रॉपिंग पैटर्न ऑक्युपाइंग हाइएस्ट एरिया इन यू पी इज राइस वीट हाँ बिल्कुल सही है वीट का प्रोडक्शन भी होता है राइस का प्रोडक्शन भी होता है और ये ऑल्टरनेट में हो ही रहा है क्रॉपिंग पैटर्न जो है एक्सटेंशन वर्कर डज नॉट नीड पोलिटिकल कॉम्पिटेंसी द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट इज फ्लावरिंग स्टेज नहीं फ्लावरिंग स्टेज पे वीट में इरीगेशन नहीं दिया जाता है झड़ जाते हैं तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी टू के हिसाब से इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का उत्तर प्रदेश रहा क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें सो राइस एंड वीट दे ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन यूपी इरीगेशन इंक्लूड सीआरआई स्टेज क्राउन रूट इनिशियेशन इन दिस इरीगेशन इज डन आफ्टर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टिलरिंग सीआरआई स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है इरीगेशन के लिए वीट में बिकॉज अगर मॉइस्चर का शॉर्टेज रहा एट दिस स्टेज तो बहुत कम टिलरिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल अर्थ हर्ड्स एंड ग्रेट रिडक्शन इन द ईल्ड तो दाने जो होंगे गे के वो बहुत छोटे पड़ेंगे अगर इस टाइम पे मॉइस्चर नहीं मिला उनको उस उस पर्टिकुलर टाइम पर एंड uh, बहुत uh, बम्ब uh, मतलब जो ईल जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी ट्रिटिकेल इज़ अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सो ट्रिटिकेल जो होती है वो वीट और आई के बीट बीच की क्रॉस को बोला है ट्रिटिकेल करनाल बंट करनाल बंट वीट की डिसीज है इट इज़ अ फंगल डिसीज ऑफ वीट और ये होती है टिलेटिया इंडिका से इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन नाइनटीन थर्टी वन द the इन रीजन इन दफ़ दीज टू स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दर्स बिलो पंजाब हरियाणा यूपी ऑफ इंडिया रीजन ये है कि जो वेल ड्रेंड फर्टाइल्स है सॉरी टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है विंटर्स में एंड अबाउट सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल एवरेज रेनफॉल ये नेसेसरी होती है वीट प्रोडक्शन के लिए सो so, दोनों ही सही हैं बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे है कि इस वजह से पंजाब हरियाणा यूपी आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये इन्होंने कंडीशन बताई है कि भाई ये सारी कंडीशन वीट के लिए ज़रूरी होती हैं ठीक है ये एक बात हो गई सही है और ये एक बात हो गई कि पंजाब हरियाणा यूपी में, में मेजरली वीट प्रोड्यूस हो रहा है बट हाउ द डज इट एक्सप्लेन दिस जब भी असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट वन टू के क्वेश्चन आते हैं देन वी शुड रीट इट टुगेदर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसको साथ में पढ़िए कैसे कि जो स्टेटमेंट वन दिया हुआ है दिस ठीक है दिस हैपन्ड ओके सही है या गलत है पहले तो वो चूज़ कर लो अगर गलत है तो फिर बात ही खत्म हो गई सही है तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको सेकेंड स्टेटमेंट को दिस इज़ करेक्ट बिकॉज दिस हैपन्कॉज ऑफ दिस अगर ये बिकॉज इस पर फिट नहीं बैठ रहा है किसी भी तरीके से देन दिस इज़ एब्सल्यूटली मतलब ये स्टेटमेंट हो सकता है इंडिविजअली करेक्ट हो बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा ठीक है तो ये अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप इस टेक्निक को हमेशा देखिए कि भाई बिकॉज लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ईजी होता है और आपके लिए भी ईजी होता है टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज़ करेक्ट वाई दिस इज रॉन्ग और सो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं सो सर्शन इज़ ट्रू वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल टेन टू फिफ्टीन डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर एंड अबाउट सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ये ज़रूरी होते हैं वीट प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट वन द बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्रॉनी वीट वीट इज ट्रिटिकम ड्यूरम सो ट्रिटिकम ड्यूरम इज द मैक्रोनी वीट का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम ठीक है सो so, यहाँ हमारे रबी क्रॉप्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे खरीफ क्रॉप से ऑल राइट सो विल बी स्टार्टिंग विद द खरीफ क्रॉप्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग कीप स्टार्टिंग जय हिंद जय भारत